बिलासपुर में गुरुवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश से कलेक्टर बंगले सहित सैकड़ों घरों में नाले का पानी घुस गया। कलेक्टर बंगले में पानी निकालने के लिए निगम की टीम जुट गई और मोटर लगाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इस बारिश में ऐसे कई इलाकों सड़कों में पानी भर रहा है जहां आज तक जल भराव की समस्या नहीं थी। इसमें व्यापार विहार की स्मार्ट रोड, नर्मदा नगर, नेहरू नगर जैसे कई इलाके शामिल है। नगर निगम की पूरी पानी निकासी की व्यवस्था ठप हो चुकी है। रिंग रोड 2 पर बनी पत्रकार कॉलोनी में इतना पानी भर गया कि पास स्थित जतिया तालाब की मेड़ तोड़कर पानी उस तक ले जाना पड़ा है। करीब 2 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश से राजेंद्र नगर में कलेक्टर बंगला के साथ ही जे रोड, मिशन हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड से लेकर के अग्रसेन चौक, देवकी नंदन चौक, सरकंडा के अशोक नगर, बुधवापारा, सीएम होम्स, चौबे कॉलोनी, स्मार्ट सिटी रोड तक मुख्य मार्ग में पानी भर गया है। इस तरह श्रीकांत वर्मा मार्ग, मित्र विहार कॉलोनी, हंसा विहार, विद्यानगर, विनोबा नगर, महाराणा प्रताप चौक, व्यापार विहार, मंगला, मंझवा पारा, बंधवा पारा, तोरवा सहित सभी इलाकों में नाली से ऊपर सड़कों में पानी बहने लगा है। देखते ही देखते नाले का पानी घरों में भर गया। देर शाम कलेक्टर बंगले में बारिश का पानी भरने की खबर मिलते ही कमिश्नर सहित अफसर वहां पहुंच गए। कलेक्टर बंगले में पानी भरने की खबर से जिला प्रशासन के अफसरों में खलबली मच गई। बारिश के दौरान शाम से लेकर देर रात तक बिजली बार बार आती जाती रही। इसके चलते शहर में ब्लैक आउट की स्थिति निर्मित हो गई थी। फिलहाल पानी को बाहर निकाला जा रहा है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।